एसडीएम के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। हिंदू संगठनों ने जलाया चंद कुआं चौराहे पर एसडीएम का पुतला। हिंदू संगठनों ने मांगा, हिंदू संगठनों के साधु संतों से माफी मांगे एसडीएम। 24 घंटे के अंदर माफी ना मांगने पर पूरे जिले में जलाया जाएगा एसडीएम कोच का पुतला। हिंदू संगठनों में दिखा एसडीएम के प्रति गुस्सा। उप जिलाधिकारी कोच के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, जलाया पुतला। क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी, जिला संयोजक बजरंग दल। तिवारी जी, जो आज आपने पुतला दहन किया, किसका पुतला दहन किया, क्यों किया? आज हमने कोच एसडीएम जो हमारे हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व धर्म के लिए जो हमारे कोच नगर में यज्ञ चल रहा है उसमें जाकर के उन्होंने जो घृणा गुड़ खर्च किया है उसका पूरा हिंदू समाज और पूरे कोच के नगरवासी आक्रोशित है। और जो उन्होंने हिंदुत्व के एक धर्म का काम चल रहा था उसमें जाकर के उन्होंने विघटन डाला है। और हम ये बजरंग दल के जिला संयोजक के होने के नाते उनको चेतावनी देते हैं, अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगी हमारे साधु संतों से जाकर के तो पूरे जिले में पूरे प्रांत में उनका पुतला फूंका। क्या नाम है आप? कौन से पद पे हो भाई साहब? जो एसडीएम के खिलाफ आज बजरंग दल द्वारा या जिला कार्यकारिणी द्वारा ये पुतला फूंका है, क्या है पूरा मामला? एसडीएम पहुंच के द्वारा जो जला पटा यज्ञ में दिया गया बहुत गलत है। उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे जाके सामान जब्त किया, वहाँ का कनेक्शन काटा, दादू की दादू संतों की जला दी, भाजपा सरकार में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी शिकायत माननीय जिलाधिकारी हमारे जो से हम लोगों ने बात की है, जल्द से जल्द इस पर जो है उनसे बात की। इस संदर्भ में एसडीएम साहब से आपकी कोई बात हुई, आपकी कार्यकारिणी कोई बात हुई है? नहीं, हमारी बात जो है हमारे संगठन में हुई है और हमारे जनपद में। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और हमारे सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने का मौका पाएँ।